नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फसाई CFSA के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। कट ऑफ कितना जा सकते हैं, सब सारे चीज़ हम देखेंगे। आंसर कीज दोस्तों आ चुके हैं और आंसर कीज के ऊपर ही बेस करके जो पोल्स मुझे देखने को मिला, बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे कैंडिडेट रिव्यूज़, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पर मैंने खुद विज़िट किया और सारे जगह पर जितने भी पोल्स हो रहे थे, सारे जगह पर जितने भी एवरेज मार्क्स हो रहे थे, ऐसा कि मेरे कमेंट सेक्शन में भी, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा खुद कितने स्कोर कर रहे हैं बच्चे। तो उसी के ऊपर बेस करके दोस्तों ये वाला प्रेडिक्शन होने वाला है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सारे के सारे स्टूडेंट्स का ही एक रिव्यू मैंने ले लिया है, क्योंकि वैसे ही उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे अपेयर होने के लिए और वैकेंसीज भी इसमें बहुत ही कम है। तो कट ऑफ प्रेडिक्शन जो है वो दोस्तों 100% ऑथेंटिक होने वाला है। आपको पूरा 100% ऑथेंटिक एक कट ऑफ प्रेडिक्शन हमारे इस वीडियो से मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप लोग असिस्टेंट या टेक्निकल ऑफिसर एग्जामिनेशन में भी अपेयर हुए थे, असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में भी अगर आप अपीयर हुए थे, तो उसका कट ऑफ प्रेडिक्शन वीडियो भी दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वो दोनों वीडियो भी दोस्तों एकदम ऑथेंटिक हुआ है, एकदम ऑथेंटिक तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर फुल्ली डिटेल्स में एनालिसिस किया है। तो जाइए उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हो, मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है ऑफिशियल जो नोटिस आया था उसका। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर CFSO में दोस्तों हमारा टोटल 37 वैकेंसीज थे, जिसमें भी यूअर कैटेगरी के लिए 14, OBC के लिए 10, SC के लिए दोस्तों 6, ST में 3 और EWS में 4 हमारे वैकेंसीज थे। ठीक है, तो वैकेंसी के ऊपर तो कट ऑफ बहुत ही अच्छी तरह से डिपेंड करता है। यहाँ पर वैकेंसी जहाँ पर कम होता है, तो वहाँ पर एग्जामिनेशन का लेवल जो होता है ना, पेपर का लेवल, मान लो मॉडरेट डिफ़िकल्ट या इजी पेपर का लेवल, उसके ऊपर जितना डिपेंड करता है उससे ज़्यादा ये डिपेंड करेगा हमारे वैकेंसीज के ऊपर। मान लो 37 जो वैकेंसीज है, अगर 37 जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर बहुत ही अच्छे मार्क्स, बहुत ही अच्छे स्कोर कंप्लीट कर लिए, तो फिर उन 37 स्टूडेंट्स का यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा आगे के लिए। तो फिर आप कह सकते हो वैकेंसी के ऊपर तो ये कट ऑफ डेफिनेटली डिपेंड करता है। हमारा जो एग्जामिनेशन लेवल था, यानी कि हमारा जो पेपर का लेवल था, वो था दोस्तों मॉडरेट। मॉडरेट लेवल के पेपर हमें देखने को मिला था CFSO के अंदर। चलिए दोस्तों कट ऑफ हम जानेंगे। कट ऑफ जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अनऑफिशियल एस्पिरेंट्स को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इंडिया के अंदर दोस्तों एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट, हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं। चाहे वो कट ऑफ प्रेडिक्शन हो, चाहे वो रिजल्ट एनालिसिस हो, चाहे वो नोटिफिकेशन अपडेट्स हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो नोटिफिकेशन से शुरू करके दोस्तों एकदम रिजल्ट तक सारे चीज़ें, जितने भी अपडेट्स आते हैं, सारे चीज़ें आपको हमारे चैनल से मिलता है, मिलता आ रहा है और मिलता रहेगा हमेशा। और दोस्तों इसके बीच में आपको मिल जाएंगे GS, करंट अफेयर्स, GK, मैथ्स के ऊपर वीडियोस, जो कि आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स भी देखता हूँ, तो आप कमेंट करके भी मुझे बताइएगा आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए, किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो और CFSO में आपका स्कोर कितना आ रहा है। असिस्टेंट TO में भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों कट ऑफ हम देख लेते हैं। कट ऑफ दोस्तों हमारा कुछ इस साल ऐसा जाने वाला है, यूअर कैटेगरी के अंदर 300 से लेकर 315 तक कट ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पर OBC में हमें कट ऑफ 280 से लेकर 295 तक कट ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। EWS के अंदर 270 से लेकर 285 तक कट ऑफ जा सकता है। SC कैटेगरी के अंदर दोस्तों हमें 260 से लेकर 275 तक का कट ऑफ देखने को मिल सकता है और ST के अंदर हमें वहीं पर 245 से लेकर 255 तक का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों आपका कितना स्कोर आ रहा है और आपको क्या लगता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपना स्कोर लिख रहे हो, तो फिर स्कोर के साइड में आप अपना कैटेगरी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो मुझे एनालिसिस में और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।